दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैम आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लोग संजीव में। अभी हम जा रहे हैं 3-4 प्लेस पे। अभी मैं आया हूँ नई दिल्ली, ठीक है, पहाड़गंज है यहाँ पे हमारा होटल जहाँ पे बुक किया हुआ था। और अभी अगर हम बात करूँ, यहाँ पे हम आए हैं और हमारी बस आने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो बस की अगर हम बात करूँ दोस्तों, हमें कुछ जगह स्पॉट्स हैं, अभी पहली बार हमने बस बुक की है, उससे क्या रहेगा। बस की अगर हम बात करूँ ना, उस बस में हम यहाँ पे ना आसपास के जो 6-7 प्लेसेस हैं मेन मेन, वहाँ पे घूमेंगे। उसका जो रेंट वगैरह रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों आप नए हैं और आपको ये अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी होटल से रिलेटेड मैं वीडियो आपको ना लिंक में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी बस आ रही है तो बस में हम आपको बताते हैं कितना वहाँ का रेंट रहेगा, कैसे वहाँ का माहौल रहेगा, अभी दिखाते हैं और कहाँ कहाँ हम घूमें, कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको बस के अंदर। मंदिर है और अभी हम, ये हमारी बस है और ये यहाँ पे जितने भी पर्सन खड़े हैं ये हमारे साथ आए हैं, ठीक है, ये टूरिस्ट के साथ में है। और अभी हम वहाँ से पहाड़गंज से निकले थे, ठीक है, अभी बिरला मंदिर आए हैं। तो बिरला मंदिर, ये पीछे सामने बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर की अगर बात करूँ काफ़ी पुराना मंदिर है, ठीक है, और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। देखो ये मंदिर है, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा, बहुत शानदार मंदिर है, जय हो बाबा जी की, ठीक है। और ये जो मंदिर रहेगा वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहाँ पे अभी कोविड के चक्कर में ना यहाँ पे बंद है अभी, पर बाकी आप बाहर से दर्शन कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे जितने भी हैं मार्बल और रेड स्टोन जो होते हैं पत्थरों का, जो लाल पत्थर होते हैं उसका निर्माण से है ना ये बनाया गया है, बाकी काफ़ी अच्छा है। आते हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, ये हमारी बस है, ठीक है। तो बस की अगर हम बात करूँ, हमसे इन्होंने 300 चार्ज किया है, ठीक है, पर बाकी अलग अलग रेट रहता हो तो मुझे पता नहीं। तो अभी दोस्तों, अभी आपको ना ये बिरला मंदिर, देखो ये बिरला मंदिर है, अभी आपको दिल्ली के टॉप जो टोपी टॉप प्लेस है वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, और हम आपको बताऊंगा कैसे कैसे यहाँ पे आप जा सकते हो, बाकी यहाँ पे ना दर्शन कर सकते हो बिल्कुल सामने से, जाओ प्रभु के। तो चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी ये बंद है तो हम नेक्स्ट टॉप में जाएंगे। ये यहाँ पर आधा घंटा रुकेगी बस, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब तक आप देख सकते हो। अभी हम आए हैं इंदिरा गांधी म्यूज़ियम में और अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे कैसा यहाँ का माहौल है। और ये यहाँ का बाहर का नज़ारा है, ये यहाँ का पार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा के दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहेगा। ये राजीव गांधी के बारे में है, ये पूरे जो डिटेल्स हैं ये राजीव गांधी के बारे में है, शायद ये ऑफिस ही उन्हें कहा हमें। तो ये देखिए राजीव गांधी के कपड़े और बाकी यहाँ पे उनकी फ़ोटो वगैरह हैं पूरी कंप्लीट, ये यहाँ की पुरानी फ़ोटो है। और ये यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, ये यहाँ के पत्थर हैं जो अलग तरीके से नक्काशी गई हुई है, शायद गिफ्ट किए हुए हैं, ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है, ये मज़दूरों से रिलेटेड रहेगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समाज पार्टी, देखो ये पहला ऐसा रहता था इस टाइप से। हाँ दोस्तों, अभी हमने अंदर से म्यूज़ियम देख चुके हैं और बाकी उस म्यूज़ियम में हमने राजीव गांधी जी के बारे में भी देखा और बाकी साथ साथ इंदिरा गांधी जी के बारे में भी देखा। अभी हम वहाँ पे उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनको गोली लगी थी और उसको ना मतलब एक तरीके से 31 अक्टूबर 1984 में गोली लगी थी, वो ना इसी रास्ते का यूज़ करते थे और इस रास्ते से जाते थे हमेशा, ठीक है, पब्लिक से मिलने के लिए। और जब पब्लिक से मिलने के लिए जा रहे थे, उसको नॉर्मल सुबह की तरह जा रहे थे यहाँ से, तो उस रास्ते पर लेके जाते हैं जहाँ पर उनको मतलब डेथ वगैरह हुई थी, जहाँ पर उनको गोली लगी थी। चलिए दोस्तों, वहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से ये है वो रास्ता, ठीक है, इंदिरा गांधी, ये देखो जहाँ से अंतिम बार चली थी उसमें, ये वहाँ पे पूरा है, ये यहाँ से जा रहे थे तो उस टाइम पे उनको गोली लगी थी। और ये इंदिरा गांधी का
म्यूजियम के बारे में है। बाकी इसको ना एक तरीके से बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता, इस अगर इसे ना प्लेस की अगर हम बात करूँ, इसको बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है, मतलब बलिदान जहाँ पे इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो बोल सकते हैं गोली लगी थी, तो उसको ना बलिदान के रूप में ना मनाया जाता है यहाँ पे। तो इसका पार्क का नाम भी यही दिया है, ये पीछे उनके बड़ी वाली तस्वीर है। It's a beautiful building. The slide is copied to White House in America, President House, the biggest building, Parliament House, left side. Wow. This is South Block, second North Block. Aur center mein jo photo kicha, back side mein Rashtrapati Bhavan. South Block mein Defense aur PM ka office hai, North Block mein Home Ministry, Finance Ministry hai. और दोनों ब्लॉक के अंदर में ईच 500 रूम्स। पार्लियामेंट हाउस और जो सिग्नल है ये विजय चौक है। एवरी ईयर 26 जनवरी रिपब्लिक डे वॉचिंग योर टीवी, यहीं से स्टार्ट होकर राष्ट्रपति भवन में इंटीग्रेट जाता है। और ये सामने थ्री सिक्योरिटी ऑन दैट प्लेस इज दिल्ली पुलिस, CISF आर्मी कमांडोस एंड ब्लैक कैट कमांडो। अगर किसी पे शक होता है पहले शूट बाद में इंक्वायरी, क्योंकि ये कब से हुआ, जब पार्लियामेंट हाउस में 2001 30 दिसंबर को 5 आतंकवादी अंदर घुस गए थे। कोरोना से पहले रोकते थे तब फोटोग्राफी होती थी, कोरोना के बाद से बंद कर दिया। तो अभी हम आए हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट की अगर हम बात करें, हमारे पीछे इंडिया गेट है, ठीक है, वो पीछे सामने, और ये पीछे जो है वो ध्यानचंद स्टेडियम है, ठीक है। यहाँ पे हॉकी का जो गेम होता है वो गेम यहाँ पे होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ना बहुत बेस्ट मौसम है और बहुत अच्छा नज़ारा है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली आते हो तो दिल्ली में, अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट एरिया रहता है, और बाकी यहाँ पे आप बस स्टैंड से भी आ सकते हो, हर तरीके की सर्विस रहती है। अगर आप ऑटो वगैरह करके आते हो तो ऑटो से भी आ सकते हो, अगर बस से आना चाहते हो बस से भी आ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे ना अभी कोविड की वजह से है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अंदर नहीं जाने देते। बाकी अंदर अमर ज्योति है, ठीक है, तो इसकी है ना कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की अगर हम बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जब है ना बांग्लादेश के साथ में युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जो जवान शहीद हुए थे तो उसके नाम पे ना अमर ज्योति जलाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, और वो ना मतलब हर टाइम चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ का जो नज़ारा रहता बहुत बेस्ट नज़ारा है। आप यहाँ पर आइए अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों ये आपका, ये हमारा ब्लॉक हो गया यहाँ से, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट उसमें स्टॉपेज में। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी हम जाएंगे शायद कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कुतुब मीनार का कैसे रहेगा और कुतुब मीनार का किस हिसाब का वहाँ का नज़ारा है। बाकी अभी तो हम यहाँ पे लाल किला के पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है, उनका स्टेडियम है यहाँ पे पीछे, ठीक है, ये देख सकते हो। और ये जितने भी टूरिस्ट हैं ये हमारे साथ जो आए हुए हैं, ये कंप्लीट उनके साथ में है, जो हमारे बस में आए हैं ना, बस जहाँ से की है उसी साथ में सभी सभी। अब बाकी देख के बताओ यार कैसा, और बाकी भाई के बारे में बताओ यार, भाई कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद हम आए हैं यहाँ पे ITDC में। ये ITDC क्या है, इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये। यह एक्चुअली यहाँ पे जितने भी कपड़े रहते हैं, हैंड आइटम्स रहते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो कैदी होते हैं वो बनाते हैं, और यहाँ पे बम्बू वगैरह जो रहते हैं ना, केले के पत्ते के और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो मिलती हैं यहाँ पे। और बाकी दिल्ली की ये सबसे खासियत है, अगर दिल्ली की सबसे खासियत अगर बात की बात बताऊँ ना दोस्तों, इसमें एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो कपड़ा मिलता है, जो सामान मिलता है, अगर बाई चांस आप एक साल के बाद दो साल के बाद अगर उसको आपको यूज़ करके अगर आप उसको ना छोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको वापस आओ, ठीक है, तो इनको दो, ये शायद मेरे हिसाब से 75% आपको ना दोबारा से वापस दे देंगे, आपकी पेमेंट रहेगी। बाकी अंदर से वीडियो नहीं बनाने दी, बाकी बहुत अच्छा है ये अंदर से है, ठीक है, अगर आप अंदर से जाते हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हैंड आइटम्स और बाकी चीज़ें हैं। अभी हम जाएँगे कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का दर्शन दिखाएंगे कैसे क्या रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको भूख वगैरह लगती है, खाना खुना खाना चाहते हो और बाकी चीज़ें रहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये मार्केट है, ठीक है, तो और यहाँ पे ये रहा है, और ये जो टेक्सटाइल है ये बता किसके साथ में है, ये जो साकेत मॉल है ना, ये है इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये फैशन शो है, ये फैशन से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे जो रहता है सबसे नज़दीक,
सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नज़दीक यहाँ पे साकेत मेट्रो स्टेशन है। आप यहाँ पे आइए, आप ये देखिए, पूछिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ पे अंदर आने के बाद जैसे सबसे पहले आते हो तो यहाँ पे ही सामने का जो गेट दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे लो स्तंभ है उसके सामने है कुतुब मीनार, उसके सामने है कुतुब मीनार जो पीछे अपन ये बैक साइड में है, और कुतुब मीनार के साथ में रहेगा वो वहाँ पे मकबरा है। ठीक है, वहाँ पे नाम वैसे लिखे हुए हैं वहाँ पे पूरी डिटेल। तो अगर यहाँ पे देखते हो तो दोस्तों बहुत अच्छा रहता है, शाम के टाइम पे यहाँ पे आप आइए तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, सभी के सभी हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है देखो। ठीक है, पूरे अगर स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस ब्लॉग को, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताना, अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब तक बाय बाय।